और सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद की जेर सदारत गवर्निंग बॉडी का अजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी के आइंदा की हिकमत अमली बारे मुशावरत। डॉक्टर यासमीन राशिद का कहना है कि विफाकी हुकूमत के दिन थोड़े रह गए, तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। मोहम्मद बिलाल से मजीद जानेंगे। बिलाल, अजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर सेहत और सदर पीटीआई सेंटर पंजाब डॉक्टर यासमीन राशिद की जेर सदारत पार्टी दफ्तर में गवर्निंग बॉडी का अहम इजलास हुआ। इजलास में अंदरीब अब्बास समेत दीगर रहनुमा थे, भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत का ये कहना था कि इमरान खान की हिदायत रोजाना की बुनियाद पर डोर टू डोर मुहिम का आगाज किया जा रहा है, जबकि वफाकी हुकूमत के दिन थोड़े रह गए हैं और वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहे हैं, जबकि मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ नहीं लगा पाएंगे। और इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की कतर अपनी हर चीज कुर्बान कर दी, और इमरान खान की क्यादत में इस कौम की किस्मत चोरों और लुटेरों के हाथों पर बर्बाद नहीं होने देंगे। इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत का मजीद भी कहना था कि इंपोर्टेड हुकूमत को बिरौनी साजिश के तहत पाकिस्तानी कौम पर मुसलत किया गया और सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और तरीके इंसाफ इतराब में दोबारा आएगी और चोरों का कड़ा एहतसाब करेंगी, जबकि खरीम सलूक की पैदावार शहबाज शरीफ को इमरान खान पर उंगली उठाते शर्म आनी चाहिए। पूरी कौम जानते कि शहबाज शरीफ खान बूट पॉलिश करने में माहिर, हम जानते किस डील के तहत शरीफ खानदान अपने कैप्शन केसेस खत्म करवा रहा है, इमरान खान कौम के मुजरिमों को आवाम के ठहरे में लाकर छोड़ेंगे। जी शुक्रिया आपका बिलाल।